रायपुर में सफाई व्यवस्था फिर पटरी पर लौट आई है। कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर दिया है। दो दिन बाद डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के लिए गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। सभी सफाई कर्मी दल बल सिवनी वार्ड में प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग थी कि वेतन वृद्धि की जाए, साथ ही सहयोगी कर्मी से मारपीट के आरोपी पर भी एक्शन लिया जाए। हालांकि मारपीट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अब मामले में अधिकारियों के आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारी ने धरना खत्म कर दिया है, जिसके बाद सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। दो दिन से कचरे का कलेक्शन बंद था, जिससे रायपुर वासी परेशान हो रहे थे। और इस खबर पर हमारे साथ जो है दामिनी बंजारे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। दामिनी, बात किया है तो सफाई कर्मियों का जो है प्रदर्शन खत्म हो चुका है, क्या कुछ आश्वासन मिला है जिसके चलते ये जो प्रदर्शन है खत्म किया गया है? दामिनी, देखिए आपको बता दें कि बीते दो दिनों से जो प्रदर्शन है सफाई कर्मचारियों का वो जारी था, जिसपे साफ तौर पर इनकी मांगे यही थी कि जिस सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है उसे न्याय दिलाया जाए, साथ ही जिसके द्वारा ये मारपीट की गई है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद से लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन जो है वो दिया जा रहा था और जिसकी वजह से पूरी राजधानी रायपुर जो है वो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था में प्रभावित नजर आ रही थी, जिसके बाद जो है अधिकारियों के साथ मुलाकात आज सफाई कर्मचारियों की हुई है, जिनके आश्वासन के बाद जो है उनके द्वारा प्रदर्शन जो है ये खत्म किया गया है। बता दें कि पूरा रामकी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है कर्मचारी तैनात थे वो सभी जो है वो दो दिनों से धरने पर बैठे थे और उनकी मांग ये भी है कि आने वाले समय में उनकी वेतन विसंगति जो है वो भी दूर की जाए और साथ ही इनके लिए जो सुविधाएं है वो भी कहीं ना कहीं उपलब्ध कराई जाए। इसे लेकर जो है महापौर और साथ ही एक तरह से कई तमाम कांग्रेस के पार्षद जो है वो SP कार्यालय भी पहुंचे थे और इस दौरान जो है उनके द्वारा मांग की गई कि जो धाराओं के तहत कार्यवाही की मांग की गई है उस धाराओं को जो है बदला जाए और साथ ही उचित कार्यवाही जो है उसके ऊपर किया जाए। चलिए दामिनी, अब दिखना होगा कि जो सफाई कर्मी है वो कितना यहाँ पर आश्वासन युक्त नजर आ रहे हैं। फिर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए दामिनी।